शतरंज की जो गोटियां हैं वो इस बिछाई जाती हैं इस प्रो कबड्डी के मैट पर भी। दूसरे हाफ की शुरुआत हो चुकी है और सोनू पहली ही रेड पर, सोनू जो के सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए थे उन्हें धराशायी कर दिया गया। बस नहीं है, क्या ये फैसला बदलेगा? रेडर सेफ, क्या रेडर सेफ है? क्या ये सीजन की पहली सुपर रेड होगी? अगर ऐसा हुआ तो कमाल हो जाएगा। क्या हाथ, क्या उंगलियां क्रॉस की मैट पर, ये देखना होगा। फिलहाल विचार विमर्श चलता हुआ, टीम रिव्यू भी है इनके पास। रेडर सेफ, 5 points, रेडर सेफ, गुजरात टीम कबड्डी लीग सीजन 10 की पहली सुपर डुपर रेड। बिल्कुल यहां रिव्यू ले रहे हैं टाइटंस। यस प्लीज, व्हाट इज योर चैलेंज? हाउ मेनी पॉइंट्स? कितने पॉइंट्स? यू वांट रेडर सेफ या आउट? 5 points नहीं है। तेलुगु टाइटंस चैलेंज, नॉट मोर 5 points। आर डिसीजन रेडर सेफ, 5 points। प्लीज रिव्यू। पवन शेरावत ने कहा है कि यहां 5 point नहीं हो सकते हैं। दादा मुझे ऐसे लगता है ये पहले बार जब हाथ मिड लाइन को क्रॉस कर चुका है वो देखना पड़ेगा हमें। पर क्या मिड लाइन पर हाथ क्रॉस हुआ है, उनकी उंगलियां क्रॉस हुई है? 5 points, उससे कुछ कम हो सकते हैं, यही पवन शेरावत ने शायद सोच कर रिव्यू लिया है। अब डिपेंड ये करता है कि जिस समय उंगली क्रॉस की है तब तक क्या पांचों का टच हुआ था, या उंगली क्रॉस होने से के बाद किसी डिफेंडर का टच हुआ है। संदीप धुल ये सबसे पहले खिलाड़ी जिनके साथ इनका इंपैक्ट हुआ, ओमकार आए वहां, शंकर कदई, अजीत केस, और यहां पर ये उंगलियां पार गई, यानी कि उस वक्त पर जिस वक्त उंगली पार गई थी, क्या वो पांचों खिलाड़ी का कांटेक्ट हो चुका था रेडर के साथ? बहुत बड़ी रेड होगी ये गुजरात जायंट्स। रिव्यू अनसक्सेसफुल, रेडर से 5 points, गुजरात जायंट्स कैप्टन नो मोर रिव्यू, रिव्यू ओवर। जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 की पहली सुपर